तो ऐसा आंदोलन आप लोग पहली बार देख रहे हैं रामगढ़ की धरती से कि बूढ़ा खाप से राजभवन तक जितने भी यहाँ के महिलाएं पुरुष अन्य सभी व्यक्ति लोग रोड में पैदल मार्च करते हुए अभी लगभग 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। उसी दरमियान में आप लोग देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से अभी पूजा दीदी भी इन लोग के समर्थन करने के लिए आए हुए। आप लोग इनको पहचान दोगे, झारखंड की क्रांतिकारी पूजा दीदी। पूजा दीदी सबसे पहले जोहार। जोहार, आपको भी जोहार। यहाँ जो बूढ़ा खाप में जो रोंगटा फैक्ट्री है वो बहुत ही उस गांव बूढ़ा खाप के जो ग्रामीण है उसके साथ बहुत ही गलत कर रही है। उनको डेली काला धुआं खाना पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो वहां के बच्चे हैं उनका आँख खराब हो रहा है, किसी का पैर से पूरा कमर तक फोड़ा उठ जा रहा है। तो आखिर सरकार और उस कंपनी के दलाल को समझना चाहिए कि आप तो आराम से कंपनी के दलाल हैं, आप उससे पैसे खाते हैं और यहाँ की जो जनता है डेली मौत का सामना करती है। इतने भी ज़्यादा मत गिरिए कि यहाँ जो बच्चे हैं उनका जान भी जा रहा है। कुछ मंथ पहले एक 8 साल का बच्चा मर गया, तो आप लोग को शर्म नहीं आता? आखिर ये पैसा आप लोग कब तक खाइएगा? एक दिन आप लोग को भी तो जाना है। तो अरे कंपनी का जो प्रदूषण है उनको आप बंद कराइए। यहाँ की जो ग्रामीण का जो जान है वो खतरे में जा रहा है, उसको सुरक्षित कीजिए। आप चंद पैसों की वजह से इतने सारे की जनता को मौत के मुँह में ना ठेले। तो उस कंपनी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो कंपनी के लगातार ऐसे पहला दिन नहीं है कि आज पहली बार आंदोलन हो रहा है कंपनी को लेकर, प्रदूषण को लेकर। आए दिन यहाँ के बूढ़ा खाप के जितने भी लोग हैं आए दिन 3-4 दिन से पहले भी धरना प्रदर्शन दिए हुए थे और आज फिर आप पैदल मार्च 6 महीना से लगातार। कंपनी देखिए, इससे पहले वहाँ था, वहाँ का जो जंगल है 22 एकड़ में है उसको लेकर भी आंदोलन हुआ था। वो जो वहाँ की रोंगटा कंपनी है उस जंगल को उजाड़ना चाह रही है। अरे पर्यावरण को बचाना है, जंगल लगाना, और आप 22 एकड़ में लगे पेड़ों को काट रहे, तो कितनी शर्म की बात है कि आप चंद रुपए के लिए 22 एकड़ की ज़मीन में सोचिए कितने सारे पेड़ लगे होंगे, तो उनको वो काट रही है। उस टाइम भी हम शामिल हुए थे उस आंदोलन में। तो ये जो है कुछ पैसों के लिए ये जो दलाल भी बिक जाते हैं और ये कंपनी वाले और जो कंपनी बैठी हुई है, जो रोंगटा कंपनी बैठी है, वो झूठ बोलकर बूढ़ा खाप में झूठ बोलकर बैठी है। वो बोली थी कि हम फैक्ट्री लगाएंगे और धागा का कंपनी खोलेंगे जिससे यहाँ के ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। इसलिए वहाँ के जो लोग हैं, जो पहले हमारे पूर्वज थे, वो उस कंपनी को बैठने दिए थे आज से 20-25 साल पहले। तो ये झूठ बोलकर बैठी हुई कंपनी है और डेली इतना प्रदूषण फैला रही है, इतना वहाँ का काला जो अनाज है सारा काला उग रहा है, वहाँ का जो पानी है लाल, तो डेली वहाँ की जो जनता है वो पानी पिएगी, उतना गंदा अनाज खाएगी। तो इतनी इनकी जो जिंदगी है, मुझे लगता है ये 40 साल की भी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। तो यहाँ के सरकार को शर्म करना चाहिए, वहाँ के जो विधायक है उनको जनता के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो लोग का पैकेट गर्म हो जाता है। वो लोग को अपने पैसा से मतलब है, यहाँ की जनता से बस वोट लेने के लिए मतलब है, उसके बाद जनता भाड़ में जाए मरे सड़े गले, यहाँ के विधायक और यहाँ के सरकार को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं बूढ़ा खाप के कुछ महिलाएं नहीं पूरा गांव ही उठ के चला है अभी रांची के लिए। तो देख सकते हैं दीदी हमारे साथ में। दीदी जोहार। जोहार भैया। पहले आप लोग आंदोलन कर रहे थे 3-4 दिन से, फिर आप चिपको आंदोलन चलाए पेड़ बचाने के लिए और अभी पैदल मार्च कर रहे हैं। कंपनी कुछ इसको लेकर कुछ निर्णय ले रहा है या नहीं? कुछ तो निर्णय नहीं ले रही है भैया, काहे कि हम लोग बीते 6 महीना से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पहले तो हम लोग रोंगटा कंपनी से हम लोग यही मांग किए हैं कि जो भी उनका जो डस्ट जो है, डस्ट से हम लोग पूरा एकदम बीमारी से हम लोग को पूरा झेलना। आप लोग का क्या मांग है, प्रदूषण को रोकना या फिर कंपनी को ही वहाँ से हटा देना है? अब हम लोग को तो यही कहना है, यही एक ही मांग है हम लोग का पूरा ग्रामीण का कि हम लोग बहुत झेल चुके हैं, अब हम लोग नहीं झेलेंगे। हम लोग तो यही कहना चाहते हैं कि जो फैक्ट्री है वही बंद हो जाए, लेकिन हम लोग का पहले मांग था डीप बोरिंग बंद करना, जो वहाँ का लाल पानी निकलता है और काला पानी निकलता है। तो हम लोग सोचे थे कि वो सब बंद कर देंगे, ना ही तो डस्ट फिल्टर लगाएं। हम लोग लगातार 6 महीना से आंदोलन किए जा रहे हैं, जब हम लोग को नहीं कहीं सुनवाई हुआ तब हम लोग सोचे कि नहीं, अब हम लोग को कुछ अगला मतलब ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। इसीलिए तो अभी आप लोग बूढ़ा खाप से पैदल जाने वाले हैं राजभवन के लिए? जी हाँ जी, काहे कि हम लोग अभी पैदल हम लोग चलते ही हैं, पूरा रांची हम लोग महामहिम के पास जा रहे हैं और उनका पास हम लोग अपना बातों के रखेंगे, क्योंकि यहाँ के जितने भी विधायक मंत्री जितना भी है सब उसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं ग्रामीण से मिलने आते हैं। यहाँ तक आवेदन देने से भी जो सूचित करते हैं वो भी सूचना के अनुसार सुन के भी उन लोग नहीं आते हैं। हम लोग जनता को खाली इग्नोर करते हैं और हम लोग को कोई मतलब सुनवाई करता ही नहीं है, इसलिए हम लोग पैदल यात्रा निकाले हैं राजभवन तक।
तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहे, आगे हम आप लोग को दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे महिलाएं कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आए हुए हैं। और आप लोग देख सकते हैं लगातार बारिश का मौसम अभी झारखंड में लगा हुआ है और बारिश का मौसम है, उसके बावजूद भी आप यहाँ रोड में देख सकते हैं कितनी महिलाएं यहाँ पर हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं तमाम लोग, ये लोग शोषित वंचित लोग हैं जो कि आज यहाँ पे अपना हक और अधिकार, अपना माटी, अपना जंगल जमीन बचाने के लिए आज निकले हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रोड में, और उधर भी आगे बहुत दूर तक लोग चले गए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और कोई कोई होंगे उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। हम लोग तो जमीन दिए हैं, हम लोगों ने जमीन दे के जो भी दर्द झेला, लेकिन नीरज की माँ चल रही हम लोग के बीच में, वो अपनी कोख अपना छोटा बेटा खोई है ये इलेक्ट्रिक स्टील के प्रदूषण के वजह। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है, इसके पहले हम नहीं आ पाए थे, कि हम लोग जब तक है नीरज की माँ का आँख से जितना आंसू गिरा है, हर एक आंसू का हिसाब ये इलेक्ट्रिक स्टील को चुकाना होगा, ये हेमंत सोरेन सरकार को चुकाना होगा, और इसके लिए हम लोग लड़ेंगे, ये हम लोग तय कर लिए। और उसी का परिणाम है कि तमाम माँ बहनें, तमाम हमारे साथी दोस्त आज राजभवन पैदल जा रहे हैं। और देख, पैदल कोई शौक से नहीं जा रहे हो, तकलीफ से जा रहे हो, अपन मांग मांगे जा रहे हो, और सबसे बड़ा बात, तो इलेक्ट्रिक स्टील बंद होना चाहिए एकर खातिर जा रहे हो। तो दादा जब प्रदूषण है और एकर लेके पहले भी आंदोलन ले ठीक ना, लेकिन कंपनी वाला ईटा में किना ले गंभीरता से कुछ सोचो है कहे नहीं। देख तोरा हम कह दियो कि कंपनी वाला ठीन पैसा बढ़ियो और हम इन झारखंड में बेशरम नेता बढ़ियो और नेता के साजिश के तहत बंद ना रहो। लेकिन अब नया नौजवान एक चीज तो जान ले कि 22 साल का झारखंड और हम लोग भी जवान हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब लड़ाई आर पार का होगा और हम लोग लड़ेंगे। और लड़ने के लिए ये जितनी माँ बहनें हैं सब चल रही है और हम लोग भी चल रहे हैं, और इसी का परिणाम है, देख लीजिएगा कि राजभवन में हम लोग अपनी मांग सौंपने के बाद, अगर इलेक्ट्रिक स्टील हमारी मांग नहीं मानता तो एक बात विश्वास के साथ कहते हैं कि आने वाला समय इससे उग्र आंदोलन होगा और हम लोग अब टकराएंगे और टकराने के मूड पे हैं। अंजाम जो होगा नहीं पता, लेकिन हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो देख सकते हैं करण दा भी पहुँचे हुए हैं, हमेशा से झारखंड की आवाज़ को उठाते आए हैं शुरू से लेकर, और अभी भी देख सकते हैं और ग्रामीणों के साथ साथ चल रहे हैं। अभी दादा 60 किलोमीटर लगभग चलना है आप लोग को। दादा हमने कहीं भी चल सके, जब परस्तात पहाड़ 13-26 किलोमीटर एक दिन में चेड़ के नाम के लिए, तो रांची नापे में देर नहीं लगते। और एक बात हम लोग बता दे रहे हैं कि हम लोग विनोद बाबू के वंशज हैं, हम लोग वीर निर्मल दा के वंशज हैं, वीर बिरसा भगवान का माटी का सपूत है। हम लोग दशरथ मांझी का नारा के साथ चलते हैं कि जब तक इलेक्ट्रिक स्टील को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बंद।